यूपी और दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब उत्तराखंड के पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। प्रशासन के पास धमकी भरा ईमेल आया है, जिसके बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुबह से बीडीएस की टीम जांच कर रही है, वहीं स्थानीय पुलिस एयरपोर्ट में पहुंचकर जानकारी एकत्रित करने में जुटी हुई है। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन ने अभी तक पुलिस को तहरीर नहीं सौंपी है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि एहतियात के रूप में एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को अलर्ट में रहने के निर्देश दिए गए हैं। बीडीएस की टीम सुबह से ही एयरपोर्ट में चेकिंग अभियान चलाए हुए है। पंतनगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। मेल आया था अलायंस एयर के ऑफिस में, जिसमें ये बताया गया था कि उन्होंने पंतनगर एयरपोर्ट पर एक बम रखा है और उन्हें धमकी दी थी कि अगर उनको पैसा नहीं दिया गया तो वो इस बम को विस्फोट कर देंगे। सूचना मिलते ही, जैसे ही हम लोग कल इसके बारे में सूचना मिली, तुरंत हमने अपने जो एसओपी है उसके अंतर्गत बीटीएसी बुलाते हैं, जिसको बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी बोला जाता है, उसमें सुरक्षा एजेंसियों के सभी सदस्यों को बुलाया जाता है, जो आकर के इस विषय पर चर्चा करके और तुरंत ये डिसीजन लेते हैं कि आगे हमें क्या कार्रवाई करनी है और कैसे करनी है। सूचना मिलने के तुरंत बाद हमारे सभी लोग एकत्रित हो गए और पुलिस की तरफ से बीडीएस टीम को बुलाया गया, जिसने आकर के पूरे विमानपत्तन को चेक किया कि यहाँ पे ऐसा किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है। और बीडीएस टीम ने आकर के जब चेक कर लिया तो उन्होंने कहा कि ये कोई खतरनाक चीज उनको नहीं मिली है, अभी हमारा एयरपोर्ट सेफ है। एक थ्रेट कॉल जो है हमें जानकारी में आया है हमारी, और उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने सुरक्षा के इंतजाम वहां पर बढ़ा दिए गए हैं। उसमें जो बोर्डिंग डिबोर्डिंग है उसके लिए हमने अलाइटमेंट जो है उसकी व्यवस्था गेट पे करी है, साथ में हम मॉर्निंग इवनिंग रेगुलर वहाँ पर पीडीएस चेक करा रहे हैं और बाकी भी हमने सभी कर्मचारियों को वहाँ पे 100% प्रेजेंस, उनके नाइट पास कैंसिल करके उपस्थिति सुनिश्चित की है। और भी हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जो कि शेयर किया जाना संभव नहीं हो, बाकी हम लोग अलर्ट हैं और हम लोग इस प्रकरण पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुद्रपुर से संवाददाता मुकेश मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और लगातार उसी समय से बीडीएस की टीम भी मौके पर मौजूद है और लगातार चेकिंग की जा रही है, क्या कुछ जानकारी अभी निकल कर सामने आई है? जी जी, आपको बता दो, जिस तरीके से अभी कुछ ही दिन पूर्व में यूपी और दिल्ली में ये घटना हुई थी, सेम उसी तरीके से एक ईमेल मैसेज आया है जिसमें कि ये पंतनगर एयरपोर्ट जिसको कि उड़ाने की धमकी दी गई है और कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जिसको लेके पूरा प्रशासनिक अमला सतर्क हो गई है। इन्होंने तुरंत ही मीटिंग बुलाया है और जो जांच की जाती है तुरंत उन्होंने पूरा एयरपोर्ट की जांच की, लेकिन अभी तक उसमें ऐसा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिला, जिसके पश्चात उन्होंने फिलहाल एयरपोर्ट को सुरक्षित घोषित कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी सतर्कता पूरी तरीके से बरती जा रही है और जो भी आने जाने वाले यात्री हैं उनको पूरी सघन चेकिंग, आईडी कार्ड वगैरह देखे जाने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो भी गाड़ियां आ रही है उसकी भी पूरी अच्छे तरीके से चेक करने के बाद ही एयरपोर्ट में अंदर प्रवेश की अनुमति दी जा रही है और पूरी तरीके से जितने भी इसके संबंधित एजेंसियां पूरी अपनी जांच में लग गई है। जी वही मुकेश, अगर बात करें तो लगातार बीते महीने से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो जनता में किस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार बड़ी धमकी ये एयरपोर्ट को दी गई है बम से उड़ाने की, तो जो आने जाने वाले लोग हैं उनका किस तरीके का रुख देखने को मिल रहा है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक माहौल होता है थोड़ा सा दहशत का, हालांकि कोई ज्यादा इसका असर नहीं पड़ा है क्योंकि ये एक झूठी घटना, इससे पहले भी जो दिल्ली और उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी में हुआ था वो सारी घटनाएं झूठी साबित हो गई थी और इसको भी फिलहाल इन्होंने एक गलत सूचना कहा है, तो इस वजह से उतनी जनता में इसका डर नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं एक भय का माहौल तो जी होता ही है। जी मुकेश, वही अगर बात करें तो हवाई अड्डे पे इस वक्त सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, या यूं कहें कि जो निर्धारित फ्लाइट्स हैं क्या उनमें भी कुछ बदलाव किया गया है? जी फिलहाल तो किसी भी फ्लाइट में कोई बदलाव नहीं किया गया, सारे अपने रूटीन समय पे ही है, लेकिन चेकिंग की जहां तक एक बात की जाए बहुत सख्त चेकिंग की जा रही है, जो आने वाले यात्री है उनकी पूरी तरीके से जाँच की जा रही है, आईडी देखने के बाद ही एयरपोर्ट के अंदर उनको प्रवेश की अनुमति दी जा रही है, उसके अलावा जो भी गाड़ी आ रही है उसकी अच्छे तरीके से पूरी सख्त सुरक्षा जो जांच हो जा रही है जांच की जा रही है, उसके बाद ही उनको अंदर
परमिश दिया जा रहा है, जो बीडीएस की टीम है सुबह से ही एयरपोर्ट में चेकिंग अभियान चलाए हुए हैं। जी ठीक है मुकेश मंडल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो साथ ही आपको बता दें कि पंत नगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और सुबह से ही बीडीएस की टीम और प्रशासन मौके पर मौजूद है और लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। साथ ही आपको बता दें कि आने जाने वाले लोगों को भी राहत पहुंचाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और किसी तरीके की किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है।